हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और आज हम सोलिस्टिक का ये लेक्चर 6 होगा। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपके बातचीत नहीं करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन करेंगे एक बहुत ही बोर्ड ओरिएंटेड टॉपिक के ऊपर, मतलब कि इसमें से हर साल बोर्ड ने आपके कोई भी बोर्ड ले लो, CBSE बोर्ड ले लो, कोई भी स्टेट के बोर्ड ले लो, हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक का नाम है वॉल्यूम ऑफ इमेज चेंज, मतलब कि बेसिकली इस बारे में। इस वाले फॉर्मूला में हर साल आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आपके 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आपके 2-3 नहीं, आजकल शायद 6-7 साल पहले आपके जब AIPMT होता था तब इसके क्वेश्चन आए थे मेडिकल में, और JEE में नहीं आया अभी तक। IIT में एक बार आया था, सब्जेक्टिव पेपर था तब आया था, अभी नहीं आया है। ठीक है, और काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल बोर्ड में आता है, तो इसलिए तो बोर्ड काफी इम्पोर्टेंट है आपके। ठीक है, इसलिए ये वाला टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको और 2 6 आपकी आनी चाहिए। एक है आपको यूनिक कन्वर्जन, ये वाले टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, मतलब कि कोई भी आपको यूनिट कन्वर्जन आपको पट 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 आपसे हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी आपकी टॉपिक आनी चाहिए और रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, इनका जो रिलेशन है, मतलब कि सारे यूनिट सेट के BCC और FCC, वैसे खास करके इन दोनों टॉपिक, इन दोनों यूनिट सेट के आपकी जो R और A की रिलेशन है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनसे ही हर क्वेश्चन आपके आते हैं, मतलब कि इनका भी मदद, मतलब इनसे ही मदद कब कभी A निकाल पाते हैं, क्योंकि वो R देते हैं फिर A निकालना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट लेवल इनका क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, और मान लीजिए क्या क्वेश्चन आता है, कभी कभी क्या होता है आपको जे दे देगा, एम दे देगा, एन ए दे देगा, ए क्यूब दे देगा, ए क्यूब नहीं देगा, ए देगा सॉरी, आपको डेंसिटी पूछ लेगा। ठीक है, फिर कभी डेंसिटी देगा, जे देगा, एम देगा, एन ए देगा, ए क्यूब पूछ लेगा। ठीक है, मतलब कि बेसिकली क्या करते हैं वो, इन 5 अननोन क्वांटिटी से 4 क्वांटिटी आपको नोन कर देगा और एक क्वांटिटी आपसे पूछ लेगा। हर बोर्ड हर साल यही, मतलब कि इसी परंपरा को निभाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आज के वीडियो में 5 क्वेश्चन करेंगे, और 5 क्वेश्चन आपके जब उस क्वेश्चन में समझ लेंगे, क्वेश्चन के सारे कैलकुलेशन आप देख लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन करने के तरीका आपको आ जाएगा, आप मेरी आप गारंटी ले लो। ठीक है, गारंटी ले लो कि आपसे इसके सारे क्वेश्चन, सारे बोर्ड के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाले नहीं है, केवल यूनिट कन्वर्जन और ये आर और ए का रिलेशन और छोटी सी मैथ्स सॉल्विंग आपको बहुत बेहतरीन आनी चाहिए, मैथ्स को सॉल्व करना। ठीक है, और इसको आप अप्रोक्सीमेशन की आपको आना चाहिए, मतलब कि वैल्यू को आपको अप्रोक्स करना चाहिए। 6.02 को आपको 6 लेना पड़ेगा, ए वाले से आपको आनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि वैल्यू अप्रोक्स करके ना आपको आंसर ले जाना है फिर आपको। ठीक है, कभी भी आप मतलब कि ये नहीं कर सकते एग्जैक्ट वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करने जाएंगे ना बोर्ड वाले, आपके लिए बहुत दिक्कत होगा क्योंकि वैल्यू बहुत गंदा आता है। ठीक है, इसलिए आपको वैल्यू गंदा आएगा तो आपका सॉल्व भी बहुत, मतलब कि जब सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए आपको अप्रोक्स करना पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन में मेरे लगभग ये वजन सारे बनने में, यहाँ पर मैंने 5 क्वेश्चन लिए, और 500 क्वेश्चन में आपको अप्रोक्सीमेशन आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, और 500 क्वेश्चन फिर बोर्ड में आए हुए, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन करा होगा आपको यह फोटो मिल जाएगी क्वेश्चन की, और आपको इस साइट में आपको, यहाँ साइट में आपको
कौन से ईयर में कहाँ पर क्वेश्चन आया है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप आइडिया मिल ले सकते हैं कि हर बोर्ड का क्वेश्चन मिल गया है, तो हर बोर्ड का मतलब कि सेम पैटर्न है कि वैल्यू करने देते हैं, आपको अप्रोक्सीमेशन करके आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप बहुत मतलब कि कैलकुलेशन का बहुत आता है, आप बहुत मतलब कि ब्रेन का बहुत अच्छा है, साफ है, तो क्या एग्जैक्ट वो वाली वैल्यू से आंसर निकाल सकते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और एक बार कि मैं यहाँ पर जो कैलकुलेशन करूंगा मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखा है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा फेलो पुट के, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर लूंगा अपने लिए, लेकिन मैं फेलो डायरेक्ट पुट करूंगा, ठीक है। आपको लेकिन फेलो डायरेक्ट पुट करके नहीं देखना है, जो कॉपी में अभी यहाँ पर जो बना था ना, आप कॉपी में लिखते होंगे देख के, उस कॉपी में आपको डायरेक्ट यहाँ से देख के फेलो नहीं करना है, आपको खुद से फिर पॉज कीजिएगा, फिर आप खुद से कैलकुलेट कीजिएगा, खुद से नॉट यूज ऑफ कैलकुलेटर, उसके बाद अपना वैल्यू और मेरे वैल्यू से मैच कीजिएगा। अगर आपका लगभग यार डेसिमल 0.002 या 1.2 तक आ रहा है तब सही है, 0.3 तक आ रहा है सही बात है, लेकिन इससे ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। फिर आपको कैलकुलेशन थोड़ा आपको देखना पड़ेगा कहाँ गलती हुआ है आपका, ठीक है। तो ये बस आपके टाइम फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, और फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिला है पंजाब स्टेट बोर्ड का 2006 में आया था और 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, और मिजोरम स्टेट बोर्ड का 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन में मैं करता हूँ आपको आपके लिए। क्वेश्चन है एन एलिमेंट हैविंग बीसीसी ज्योमेट्री एटॉमिक मास 50 न्यू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इफ इट्स एज लेंथ इज 290 पिकोमीटर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि हमारे बोला गया कि हमारे पास एक एलिमेंट है जो कि बीसीसी ज्योमेट्री को फॉलो करता है और उसकी एटॉमिक मास है 50 न्यू। पूछा गया कि बोला गया कि आप इसका इस यूनिट सेल का डेंसिटी निकाल के दीजिए हमें, अच्छा, और एज लेंथ गिवन है 290 पिकोमीटर। तो पहले इस क्वेश्चन को बोर्ड में कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले लिखेंगे आप गिवन, क्या क्या आपको गिवन है, तो पहले में आप लिखेंगे गिवन है, हमें गिवन है पहले, अच्छा बीसीसी बोला गया ना, बीसीसी के लिए पता है आपको जेड क्या होती है 2, तो जेड क्या आपको गिवन है 2। फिर हमें गिवन है एटॉमिक मास मतलब कि एम गिवन है 50 में। फिर आपको गिवन है आपका एज लेंथ, अच्छा एज लेंथ गिवन है मतलब कि ए गिवन है, ठीक है, नॉट ए क्यूब, ए गिवन है, वो यहाँ पर 290 पिकोमीटर, ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको यूनिट कंपर्स आना चाहिए, तो इसको पिकोमीटर क्या करना पड़ेगा, आपको मीटर में ले जाना पड़ेगा, सॉरी सेंटीमीटर में ले जाना पड़ेगा। सेंटीमीटर कैसे करेंगे, ये होगा 290 इंटू 10^-10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या होगा, एज लेंथ पता चल गया, अच्छा एन ए क्या फिर पता है हमें 6.02 इंटू 10^23, ये होती है एन ए की वैल्यू, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसके बाद अब लिखना पड़ेगा आपको फॉर्मूला यूज, कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, इस तरीके से आपको बोर्ड में लिखना पड़ेगा, तभी आपको एक इम्प्रेशन क्रिएट होगा जो एम्बिलिजर यानी जो कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में आपका जो आप लिखते हैं कॉपी में उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, देखिए दिखने में अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, करके कॉपी चेक करना जो चेक करते उसको भी सहायता मिलता है, और जो मतलब कि उसको रहेंगे अच्छा बच्चे ने अच्छा लिखा है, बहुत साफ सुथरा लिखा है इसको, अगर कहीं गलती होगा ना तो चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लिखा है, इसका मार्क दे ही देते हैं। तो ऐसे कुछ एडवांटेज है, ठीक है, इस एडवांटेज के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो इसके बारे में अभी नहीं, बोर्ड आने दीजिए उसके बनाएंगे, जैन फेब्रुवरी तक हम बनाएंगे वीडियो, ठीक है, खुद अलग ही सीरीज बनाएंगे जिसमें आपको बोर्ड के लिए सारे मटेरियल सारा हेल्प आपको मिलेगा, ठीक है। अभी टेंशन लेकर आप अभी तक विंडस करते रहिए, ठीक है, लेकिन ऐसे प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, ठीक है, बोर्ड के, क्योंकि बोर्ड ऐसा होता है कि यार हम कहते हैं अभी है 9-10 महीना है, लेकिन ऐसे करते करते बोर्ड बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कब बोर्ड आ गया, ठीक है। फिर जीरो इंटू एम होता है, फिर एन ए इंटू ए क्यू, तो ए का
क्यूब का वैल्यू नहीं गिवन है हमें, ए क्यूब का वैल्यू, ए क्यूब का वैल्यू नहीं बताया, ए का वैल्यू बताया, ठीक है यहाँ पर। और भैया फॉर्मूला इस तरह से लिखना पड़ेगा बोर्ड में, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुट कर दीजिए आराम से, तो डेंसिटी में निकालना है। अच्छा जेड पता है हमें 2, एम पता है हमें 50, एन ए का वैल्यू पता है हमें 6.022 × 10³³ इंटू, अच्छा ए क्यूब का वैल्यू होता 290 × 10³⁻¹० का होल क्यूब, ये बन जाएगा 100। इस चीज को आप क्या मान लीजिए, 6 मान लीजिए, ठीक है। एक अभी बता पाया मैंने, अभी बताया था ना अप्रोक्सिमेशन में यूज करना पड़ेगा, इस 6.02 को 6 मान लीजिए, इस 90 को 300 मान लीजिए, 300 तब क्यूब −60, ठीक है, ये हो गया हमारा 100 × 6 × 27 फिर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 10⁻¹, ठीक है। अच्छा फिर आपको क्या करना है, इसको इंटू कर दीजिए 27, 6 2, 4, 12, 16, 100 डिवाइड बाय 162। जब इसको सॉल्व करेंगे आपको लगभग लगभग कुछ कितना आएगा, देखिए 100 डिवाइड बाय 162 यहाँ पर आपका है 0.1 इतना आ रहा है, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा, तो इसको राफ कर देते हैं, तो ये आपका फेल हो जाएगा 1.7, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब ये आएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज किया था ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा फेलो आपको बढ़ा देना पड़ेगा, फेलो इधर बढ़ाया था ना, इसलिए आपको हमारा फेलो क्या बना था पाएगा, पर खता नहीं है बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो फेलो कुछ 6 कुछ रख दीजिए, क्या रखे क्या रखे, हेलो यहाँ पर सेंस नहीं है ना, यहाँ पर क्या था 10 का वैल्यू इधर आ रहा था, 10, 100 यहाँ पर 10 बढ़ा था ना 10 का, ठीक है कुछ लगभग 70 कर दीजिए, बराबर हुआ, ठीक है आपको यहाँ पर 670 आसपास रख दीजिए, ग्राम ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब, ठीक है आंसर इतना आ जाएगा आपका, आसपास इसकी वैल्यू आएगी आसपास, आपके अगर कुछ अलग वैल्यू आ रही ना तो आप कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके सामने कैलकुलेशन क्या है, ठीक है मेरा इतना आ रहा है, मतलब कि इतना आ रहा था पहले, क्योंकि अगर मैंने कुछ अप्रोक्सीमेशन किया था इसलिए मैंने थोड़ा वैल्यू सेंस कर दिया, बढ़ा दिया, इतना आ रहा है, अगर कोई आपका वैल्यू अलग आ रहा है ना, ठीक है तो बता दीजिएगा मुझे, ठीक है, और आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को लिख लीजिए आप, और इस चीज को आप भूलना नहीं है कि इसको 6.02 को आपको 6 ही लेनी है, ठीक है 6 ही लेना है, इसको 6.02 को आपको 6 ही लेना है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको सेंस नहीं करनी है, वैल्यू सेंस नहीं करनी, ये याद रखिए, और इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए आंसर पे आप लोग लिख लो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन आपका है सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, जो कि ऑल इंडिया स्टेट बोर्ड मतलब कि सीबीएसई का होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, आपको क्वेश्चन फिर से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में यहाँ पर रीड करता हूँ, कॉपर क्रिस्टलाइट
which face center cubic in itself. If the radius of the copper atom is 127.8 picometer, so calculate the density of the copper material. Given that atomic mass of copper is 63.55 mu and Avogadro number of Na is equal to 6.02 × 10²³ mole inverse. Okay, question easy question है काफी और इस question में मैंने जो भी बताया था कि relation between R and A ये use होगा यहाँ पर, ठीक है? कैसे use होगा बताते हैं, ठीक है? ये जो topic है ना, ये वाला जो density वाला topic है, इसमें आपको पूरा solid state की knowledge पहले से तो first lecture से last अभी तक इसके पहले lecture तक जो हम theory क्या है उसका सारा इस्तेमाल यहाँ पर होगा, ठीक है? तो ये वाला टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बेसिकली क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। बोला गया है कि हमारा कि ये अगर इसका सॉल्यूशन देखे तो आपको यह बोला गया कि कॉपर जैसे एफसीसी फेस सेंटर यूनिट सेल मतलब कि एफसीसी एफसी का जेड कितना होता है 4 पता होगा, ठीक है? मैं ही बोला कि जो पिछले वाले थ्योरी आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो ये वाले वीडियो आपके लिए नहीं है, आपको पहले वो वाले थ्योरी देखनी पड़ी और इसलिए आपको आई बटन में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? सॉलिड स्टेट का। और उसके बाद है कि इफ द रेडियस रेडियस ऑफ कॉपर एटम जैसे रेडियस गिवन है हमें आर गिवन है सर आर को बाद में लिखेंगे शुरू आर को बाद में लिखेंगे ठीक है मास गिवन है हमें 63.55 μ और गिवन है Na 6.02 × 10²³ ठीक है आर कितना गिवन था हमें 127.8 किलोमीटर ठीक है इसमें क्या करना पड़ेगा आपको पहले आर से ए निकालना पड़ेगा तो आर इज इक्वल टू ए अपॉन टू रूट टू होता है तो यहाँ पर ए का फील होगा टू रूट टू इंटू आर और इसका भी लो आ जाएगा 2 × 1.4 × आर का वैल्यू कितना आ रहा है भाई आर का वैल्यू 127.8 इसको 30 मान लीजिए और इसको 1.5 तो ये बात 3 128 ठीक है तो इसको करेंगे 384 आ रहा है थोड़ा सा वैल्यू कम कर दीजिए और क्योंकि एक बार फिर हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था ना ठीक है थोड़ा वैल्यू कम कर दीजिए 360 कर लीजिए ज्यादा इसलिए कर रहा है कि 1.414 समथिंग आता है इसका वैल्यू ठीक इसलिए हमने इसका वैल्यू बहुत कम कर दिया है ठीक है कम नहीं कर दिया उससे ज्यादा ठीक है नहीं कम कर दिया तो कम कर दिया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब क्या है ये हो गया अब हमें क्या है फॉर्मूला यूज करना है फॉर्मूला इस कोई वाला लिख लीजिएगा आप लोगों ने ठीक है हम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपकी बात क्वेश्चन में वैल्यू पुट करें रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम इंटू ए क्यू इंटू एन ए तो डेंसिटी का वैल्यू में अच्छा डेंसिटी निकालना है हाँ डेंसिटी रो जेड 4 × 63 3.55 360 × 10²⁻¹ 360 × 10²⁻¹ सेंटीमीटर क्योंकि पिकोमीटर में आया था का होल क्यूब 6.02 × 10²³ ठीक है सॉल्व करें इस चीज को फिर से आप इस चीज को ना क्या मान लेंगे इस चीज को आप 64 ठीक है इसको 6 इसको 60 ठीक है जब इसको सॉल्व करेंगे हम ठीक है कुछ तो आपका ये आ जाएगा 256 ठीक है मैंने पहले से करके रखा है ये सारे चीज और इसका क्यूब होता है हमारा 400 4 6 6 6 0 × 6 × 10²⁷ ठीक है सर इसको इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 6
2799 × 10⁻¹⁷ ठीक है सर, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.1। ठीक है, कितना आंसर आ जाता है हमारा ग्राम, ठीक है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन ये गलत है क्योंकि मैंने ये अप्रोक्स करके लिखा था। ठीक है, इसका थोड़ा वैल्यू कम करते हैं हमारे ग्राम में, जब हम वैल्यू कम कर देंगे थोड़ा सा कम देंगे थोड़ा सा, ठीक है 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक कोई, यहां तक तो कोई टफ परिवर्तित नहीं थी, कोई भी सेम क्वेश्चन था पिछले वाला, ये नया था और ये वाला हमने करके रखा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने एक वीडियो, फिर से हमने एक क्वेश्चन आंसर वाला, मतलब कि क्वेश्चन आंसर वाला सॉल्यूशन वाला वीडियो करा था ना, आई वेतन में मिल जाएगा आपको, टेंशन नहीं है। उसमें हमने ये सब डिस्कस किया था कि आर से ए निकालना, ए से आर निकालना, ओ वाला पार्ट फॉर ए वाला पार्ट, तो दो पार्ट मिला के चार मार्क का एक पार्ट होता है। ये बोर्ड का लेवल है, अच्छा लेवल है भाई, अच्छा लेवल है, वैसे खराब पार्ट नहीं है बोर्ड में भी। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये भी है। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आपने, इस बार हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करेंगे कि यार काफी, लेकिन दो क्वेश्चन में भी शायद 20-25 मिनट हो गया होगा, तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लिखते हैं, लिखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में इधर फास्ट करूंगा थोड़ा, ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैंने बहुत स्लो करके रखा था और दोनों क्वेश्चन का सेम है, मतलब कि ये क्वेश्चन भी, इसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे सारे सेम क्वेश्चन ही है। ठीक है, वही सार वैल्यू किसी एक वैल्यू का अननोन करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिल्ली स्टेट बोर्ड 2040 के क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि एन एलिमेंट विद डेंसिटी 11.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कैन फॉर्म ए एफसीसी लैटिस, तो एफसीसी लैटिस मतलब जेड का फिल 4 इज देन 4×10⁻¹ इज देन कैलकुलेट एटॉमिक मास, मतलब कि एम पूछा है। ठीक है, जब इसमें सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके फॉर्मूला में, ठीक है, तो वैल्यू जब वैल्यू पुट करेंगे तो रो इज इक्वल टू एम इंटू जेड ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एम का वैल्यू नहीं पता हमें, अच्छा इसका वैल्यू पता था, डेंसिटी का वैल्यू पता था इसमें ना, 11.2 एम इंटू 4×10⁻¹ का होल क्यूब, फिर आपका 6.02×10⁻²। अच्छा जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, फिर से मैं सॉल्व करके रखा है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट वैल्यू, चले कोई बात नहीं थोड़ा सा कर लेते हैं, 11.2×4×10⁻¹ का होल क्यूब 6.02×10⁻², डिवाइड बाय 4। ठीक है, सर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एम का वैल्यू आ जाएगा 107.9 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, हमारे मास कितना आ गया, एटॉमिक मास आ गया हमारा 107.9 म्यू म्यू। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक मैं, अच्छा ये बता रहा हूं, इसके बाद द कैलकुलेशन को खुद से करना है। ठीक है, क्योंकि यहां तक करके रखेंगे बोर्ड में आपको 3 मार्क मिलेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद ही आपको 4 मार्क दिखेंगे बोर्ड में। ठीक है, तो यहां तक मुझे पता था, मैंने यहां पर खुद से कैलकुलेशन करके रखा पहले से, तो मैंने डायरेक्ट फिल पुट कर दिया पर। ठीक है, तो लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बकायदा आपको खुद ही वैल्यू कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके बाद आपको इस वाले वैल्यू तक आपको आना है खुद से, तभी फायदा है। ठीक है, अगर यहाँ तक आप छोड़ेंगे या नहीं, हम बोर्ड के दिन कर लेंगे, बोर्ड वाले एग्जाम के दिन, तो आपसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, उस वाले कॉन्फिडेंस में हम नहीं रहेंगे आपसे, मतलब कि डेली जब ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस, मतलब पूरा कैलकुलेशन का पूरा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपका बोर्ड नहीं, आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड वाले दिन आपको
मतलब कि बोर्ड के दिन, मतलब कि जिस दिन का बोर्ड होगा उस दिन आप एक वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करना है, कि मैंने कैलकुलेशन नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत टाइम जाता है, ठीक है, जितना कैलकुलेशन खुद से प्रैक्टिस फिर से करी जाएंगे तो क्या आपको पास एक फास्ट कॉन्फिडेंट होगा और कुछ फेल कॉमन मिलेंगे, ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो आपका लक बहुत अच्छा है, फेल कॉमन मिलेगा, लेकिन क्या है फेल कॉमन नहीं मिलेगा हो जाएगा अगर आपका कैलकुलेशन मतलब करने का ट्रिक या ट्रिक हो या कॉन्फिडेंट हो आपके पास हो, ठीक है, तो आपका बस बहुत एक एडवांटेज हो जाएगा, दो एडवांटेज हो जाएगा, एक तो कॉन्फिडेंट और दूसरी ट्रिक, इसलिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड जब घर में करेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो स्पीड बहुत इंक्रीज हो जाएगा, तब घर में जब एग्जाम के दिन आपको आराम से कोई टेंशन बिना टेंशन के आपसे कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है, और एक बात की ये क्वेश्चन लिखा रहा क्वेश्चन मैंने बुक मॉडर्न नाम है मॉडर्न एवीसी केमिस्ट्री का, मॉडर्न एवीसी ऑफ केमिस्ट्री डॉक्टर एस पी जोहर का ये लिखा हुआ किताब है, ठीक है, इसकी अगर खरीदना है किसी को बहुत अच्छी बुक है, इसकी मैं एक फीचर जरूर मतलब कुछ दिन के बाद मैं बुक बनाऊंगा जिसमें बेस्ट बुक फॉर जेईई जे इंजीनियरिंग वाले के लिए, आईआईटी के लिए, मेडिकल वाले मेडिकल के लिए, और कुछ ऐसी बुक जो बोर्ड के लिए बोर्ड है उनकी मैं उनके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा कुछ दिन के बाद, भी उसका काम चल रहा है, ठीक है, तब तक आप वेट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसी भी बोर्ड एग्जाम का नहीं है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, और लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कहेंगे माइंड एक्सेलरेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको ऊपर मिल जाएगा यहाँ पर फिर से क्वेश्चन मिल जाएगा, क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ एक बार, क्वेश्चन है लिथियम ब्रोमाइड LiBH4 क्रिस्टलाइज इन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम हैविंग 4 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल, द यूनिट सेल डायमेंशन आर ए इक्वल टू 6.81 एंगस्ट्रॉम, बी इक्वल टू 4.43 एंगस्ट्रॉम and C is equal to 7.17 angstrom. Calculate the density of the crystal. ठीक है, हमें क्रिस्टल का डेंसिटी पूछा गया है, and the atomic mass of lithium is 7, boron is 11 and hydrogen is 1. Very simple question, लेकिन question अलग से लिखा है, ऐसा question लिख के आपको डरना नहीं, बहुत easy question है, ठीक है, question पूछा गया कि अच्छा रोम्बिक बोला है ना, तो रोम्बिक के लिए क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 होगा हमारे लिए, ठीक है, फिर बोला गया कि हमारे लिए क्या है 4 मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जेड का वैल्यू 4 है, फिर हमें बोला गया कि इसका ए गिवन है, मतलब कि 4 गिवन है, मतलब कि ए क्यूब नहीं गिवन है, ए गिवन है, ठीक है, तो सॉरी ए क्यूब का वैल्यू पता है हमें इस बार जो कि आपका कितना है, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी मतलब कि इक्वल टू 6.81 इंटू 4.43 इंटू 7.17 इंटू, ठीक है, फिर एटॉमिक मास पूछा गया है, अच्छा एटॉमिक मास के लिए मोलर मास निकाल लेते सही का, मोलर मास सही का निकालेंगे, मतलब कि 7 प्लस 1 11 प्लस 4 इंटू 1 तो 22 आ गया हमारा, तो डेंसिटी का फॉर्मूला कितना था, एम इंटू जेड ए क्यूब इंटू एन ए, जब इसको सॉल्व करेंगे डेंसिटी का डेंसिटी को तो एम का वैल्यू कितना आएगा 22, फिर जेड का वैल्यू 4, ठीक है, फिर बस ए क्यूब का कितना आएगा 6.1 इंटू 4.43 7.17, ठीक है, फिर आपका एवोर्ड नंबर 6.02 इंटू 10^23, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आपके सामने, सॉल्व करने के लिए अभी भी लेटेस्ट मतलब कि अभी देख क्वेश्चन को भी बुक में, तो इसलिए मैंने अभी लाइव क्वेश्चन उठा लिया, ठीक है, हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नहीं करा है, आपके सामने सॉल्यूशन करा हो, ठीक है, अभी तो उसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 4,
से क्या कहते हैं 88, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 6.81 इंटू 4.43 इंटू 7.17 इजिकल टू, ये हो जाएगा 216.3। ओके, फिर इंटू 6 कर दीजिए, आपका बन जाएगा ये 6 करने के बाद 88 डिवाइड बाय 1297.8, ठीक है। तो 88 डिवाइड बाय 1297.8 इक्वल टू आपका आ रहा है 0.067 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारा, ये 0.067 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कुछ थ्योरी पार्ट नहीं की, कुछ क्वेश्चन के जो क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, ठीक है। और होप आपको ये वाला वीडियो लिख लीजिए खत्म कर लीजिए उसको, आराम से लिखिए आराम से। और अगर एक कैलकुलेशन, अच्छा जब इस वाले पार्ट के बाद आपको वीडियो पॉज करना है, ठीक है, पॉज करने के बाद आपको फिर से कैलकुलेशन खुद से करना है, ठीक है, तभी आपके लिए फायदा होगा। जितना कैलकुलेशन खुद से करेंगे फिजिकल में, केमिस्ट्री में, बेसिकली आपके लिए उतना ही फायदा है, ठीक है। बाकी आप देख देख के करेंगे, यहाँ से देख के फेलो पुट करें और कोई फायदा नहीं है आपके लिए, आपको फेलो देखना पड़ेगा पहले, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, इट इज मोर बेनिफिशियल टू यू, ठीक है। तो कीजिए फिर देख के, चलिए आपने क्वेश्चन कर लिया। अब हम बातें करते हैं इस वीडियो में क्या क्या फायदा होगा आने वाले टाइम में, और कौन सा टॉपिक हमने कवर किया आज तक सॉलिड स्टेट में। तो अभी तक हमने सॉलिड स्टेट में लगभग 80% खत्म कर दिया, ठीक है। इसमें हमने जेई मेन, नीट एंड आईआईटी के आईआईटी में जितने क्वेश्चन पूछे गए, मतलब कि अप्रोक्स 90% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है, और उसको हमने कंप्लीट कर दिया। कर हमने बोर्ड में आपके 6 मार्क आपको श्योर हमने करा दिया इस टॉपिक के बाद, ठीक है। अभी तक जो हमने क्या सॉल्व किया उसके बाद इस वीडियो में, ठीक है, इस वीडियो में हमने क्या किया, बोर्ड में 4 मार्क आपको हमने श्योर कर दिया, क्योंकि बोर्ड में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आपका, ठीक है, ठीक है। और इस वीडियो से आपका क्या फायदा हुआ, आपको पता चला कि आपको अप्रोक्स कैसे यूज करना है, ठीक है। फिर आपको कैलकुलेशन ट्रिक आपको सिखाया हमने, फिर आपको कौन सी टॉपिक आपको भूल ना नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमने अभी तक किया है, और इस वीडियो में कौन सा वाला पार्ट, ये वाला 3 टॉपिक हमें फायदा हुआ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है, क्योंकि हमने क्वेश्चन किया और क्वेश्चन ऐसे किया कि कैसे आपको, मैंने खुद से ऐसे सॉल्व किया, कैसे आप, मैं खुद ही बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको भी ऐसी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आशा है तो आप लोगों ने सारे क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में गिवन है सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, तभी आपका फायदा होगा। और कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा, ना कि यूज से कैलकुलेट होता है, जैसे मैंने भी कैलकुलेटर से यूज करके कैलकुलेट किया, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और
आशा करते हो आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू स्टडी पॉइंट, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फर्स्ट, ठीक है, जब भी मैं वीडियो डालू आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, एंड इसलिए आपको उस बेल आइकन को जरूर लगाएगा, थैंक यू, एंड प्लीज कीप स्माइल, थैंक यू।